अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अहम खबर दें आपको। इमरान खान और दीगर के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा। सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कमरे अदालत में आकर पुलिस अहलकार का ऐलान। तमाम वकला और मुलजमान कमरे अदालत से बाहर चले जाएं, जज की जानिब से हुक्म दिया गया। एक एक मुलजिम और उसके वकील कमरे अदालत में आए। जज रक्षंदा शाहीन ने मीडिया को भी कमरे अदालत से निकाल दिया। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज की नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल बड़ी अहम समाअत हुई है आज बैंकिंग कोर्ट में इमरान खान से मुतालिक, लेकिन एक गैर मामूली जो चीज है वो देखने में नजर आई, जिसमें आज जो जज है रक्षंदा शाहीन, उन्होंने तमाम मीडिया नुमाइंदगान समेत दीगर जो अफराद थे उनको भी कमरे आला और बारहा ये कहा कि आपको समझ नहीं आती कि यहाँ पे इश्यूज हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिक्योरिटी अहलकार भी पूरी तौर पर कमरे अदालत में आए, उनकी तरफ से भी सबको बाहर जाने की हिदायत दी गई। इसके अलावा आपको बताएं कि जो तमाम तर जो समाज का अहवाल है उसमें जो दरख्वास्त दायर की गई थी वकील इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, उसका जिक्र शुरू किया गया। वकील इमरान खान ने ये बताया है कि जो भी कहूंगा उसकी मेडिकल रिपोर्ट की सूरत में सबूत मौजूद है, जिस पर जज बैंकिंग कोर्ट ने ये कहा कि आपने मेरा गुज़श्ता समाज का ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, आपने मेरा ऑर्डर चैलेंज कर रखा है, इसलिए जरूर जाए। जिस पर वकील इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर आप मेरी दरख्वास्त सुनकर रिलीफ दे देती हैं तो मैं हाई कोर्ट हरगिज नहीं जाऊंगा। जिसके बाद जो जज है बैंकिंग कोर्ट, उन्होंने समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी की है। इस वक्त आपको बताएं कि जो बैंकिंग कोर्ट है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें डॉक्टर फैसल के साथ साथ दीगर जो कारकुनान है वो भी यहाँ पर मौजूद है, आजम सवाती भी यहाँ पर मौजूद है, और सब जो है अभी तकरीबन 11:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं। और आज जो जज थी रक्षंदा, वो काफी ज्यादा जो है बरहमी का इजहार करती नजर आई और काफी गुस्से का इजहार भी दौरान समाअत देखा गया उनकी तरफ से। साहब एक बड़ी जो पेशरफ्त है वो आज होनी है इस तमाम तर मामले में, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे रहेंगे। शुक्रिया। एक और अहम खबर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने